रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री के दो पद रिक्त हैं और देखिए मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया है। अजय चंद्राकर पहले ही मंत्री पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सुनील भैया को मंत्री बना देंगे। दो मंत्री पद को लेकर बीजेपी में अंदरूनी कलह जारी और इस बीच दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। अब तो ऐसा है कि एक अनार सौ बीमार का स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में निर्मित है। एक तरफ अजय चंद्राकर जी, हमारे माननीय नेता अजय चंद्राकर जी प्रदेश के नेता है, वो ज्यादा आजकल ज्यादा उतावली है और मंत्री पद के लिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरे अभी नए नए चुनाव जीत के सुनील सोनी जी, हमें उम्मीद है कि भैया उनको मंत्री बना देंगे और कई लाइन में है। तो देखिए चुनाव खत्म हो चुके हैं और बीजेपी में दो मंत्री पद रिक्त हैं, जिसके बाद से लगातार अब फिर एक बार राजनीति इस विषय को लेकर गर्माती नजर आ रही है। दीपक बैज का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सुनील भैया को मंत्री बना देंगे, अजय चंद्राकर तो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। तो अब इस पर बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, वार पलटवार का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस खबर पर पूरी अपडेट देंगे मेरे सहयोगी खोमन साहू, मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे इस पूरे मामले ने राजनीति के पारे को गर्म करके रख दिया है। हमें उम्मीद है कि भैया सुनील सोनी को मंत्री बना देंगे, बड़ा बयान दे दिया दीपक बैज ने। खोमन साहू मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, देखिए चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब फिर राजनीति का एक नया चैप्टर शुरू होता दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ दिन पहले भी हमने देखा था जो दो मंत्री पद खाली है उसको लेकर बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही थी, फिर एक बार मामला गर्मा गया। क्या मायने निकाले जाए, दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। हाँ देखिए, जिस तरीके से जो दो मंत्री पद खाली है रसिका, उसको लेकर जिस तरीके से दीपक बैज का बयान सामने आया है, क्योंकि अभी अभी निर्वाचित हुए हैं सुनील सोनी रायपुर दक्षिण से, ऐसे में उन्होंने कहा है कि रायपुर दक्षिण से जो निर्वाचित हुए सुनील सोनी उनको मंत्री पद दे देना चाहिए, क्योंकि रायपुर संभाग से एक भी मंत्री जो है साई कैबिनेट में शामिल नहीं। इसके अलावा दुर्ग संभाग की बात की जाए तो दुर्ग संभाग से भी संभावनाएं जताई जा रही कि रायपुर से और दुर्ग संभाग से एक एक मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं। शायद जो कैबिनेट की अगर बात की जाए तो एक नए और एक पुराने जो कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं उनको मंत्री बनाने की बात लगातार जो अटकलें हैं वो सामने आ रही है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री आज ही दिल्ली गए, ऐसे में जो अटकलों की जो बाजार है वो काफ़ी गर्म हो गई कि आखिर किसको बनाया जाए। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई, क्योंकि सरगुजा संभाग से स्वयं मुख्यमंत्री भी आते हैं, इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल है, लक्ष्मी रजवाड़े है, अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग से केदार कश्यप आते हैं और बिलासपुर संभाग से उप मुख्यमंत्री अरुण साह वो आते हैं। तो ऐसे में जो रायपुर संभाग है और दुर्ग संभाग है दोनों संभाग खाली है, तो यही कारण है कि लगातार अटकलें लगाई जा रही। जो गजेंद्र यादव है उनको बनाने की बात, ठीक है आप देखते हैं ये पूरा मामला कितना सियासी पारे को हाई करता है। खोमन, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।